लो जी, मेरे उन्नी सारे सत श्रीकाल किसान जिंदाबाद, सलाम अलैकुम, नमस्कार, नमस्ते, राम राम जी। लो जी भैया, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपके पास ऐसी सी वीडियो आ जाए। तो चलो यार, सुबह संडे का दिन था, मॉर्निंग थी, चाय वाय पी रहे थे भैया। हमारा तो वही कप ही होता है, कलर ही चेंज होते हैं, चाय ही होती है साथ में, दारू नहीं होती है, ठीक है। तो रात सारी रात काम वाम करके अभी थोड़ा रेस्ट करने लगे थे, मैंने कहा चाय वाय पी ले फिर बाद में करते हैं। तो चलो आप आज अच्छा यार, मैंने इसलिए आया हूँ एक्चुअली, मैंने कहा बता दूँ सभी को भाई, मैं आज रात को वापस घर जा रहा हूँ और कल मेरा डॉक्टर के पास जाना है, आके दिखाने, वो क्या आके लेने के लिए, देखते हैं कल साले क्या बोलते हैं, सर्जरी करते हैं या कल फिर वो पूरे एक्सरे वगैरह जो भी करेंगे, तो आई डोंट नो क्या होगा, कल सुबह 8 बजे जाना है। तो मैंने कहा चलो भाई आज दिखा दूँ, अगर वापस ना आया तो सोच लेना चला आके लेने गया ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए भाई मैंने कहा चलो भाई आखिरी बार आपके दर्शन कर लूं, जी वापस जाके तो दोबारे करूंगा, वरना देख लेना राम नाम जत बोल देना दो दफा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ यार, हंस खेल के रहा करो, मजाक नहीं करता हूँ कसम से, सीरियस रहने में भी मजा आता है और हंसी में बीच में रहने का मजा आता है, लाइफ ही ऐसी है, क्या करेंगे यार, ठीक है। तो चलता रहता है, दौड़ता रहता है, क्या करेंगे, एक दिन ये सारा कुछ यहीं पे रह जाएगा, हम लोग चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। तो भैया इसलिए पूरा हंस खेल के रहा करो, मजाक करा करो, प्यार मोहब्बत से रहा करो सभी से। यार मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे है कुछ नहीं है। ओ हाँ, मजे की बात बताता हूँ यार, यहाँ पे ना मेरे सामने एक एड़ा रहता है, मेरे से भी लगता है साला वो पहले दिन आया ना ट्रक लेके, तो बारिश हो रही थी ना, मेरे घर से ना दिखा भी देता हूँ कहाँ रहता है, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। वो सामने वाला घर है जो जेलों से दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां पे रहता है वो, दोस्त बन गया लड़का, ठीक है, थोड़ी दिनों में। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपन तो 2 सेकंड में बंदे के साथ घुल मिल जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, अच्छा लगा तो दोस्ती रखते हैं, वरना सीधा मुंह पे बोल के निकलता है भाई हमारा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो मुंह पे बोल के चला जाता हूँ, जी तेरे को गुच्छा लगे लगता है यार, मेरे बाप का क्या जाता है, गई भैंस पानी में तेल नहीं, इसलिए भैया मैं टेंशन में इतनी लेता। तो मैंने उसको बोला भाई, वो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसकी ना ट्रक की लाइटें ऑन नहीं थी फ्रंट वाली, तो वैसे तो वो रोड क्रॉस ही करंदा, तो वो आया मैं यहाँ पे स्टोर पे, तो मैंने कहा उसको बोला, मैंने कहा वो भी वे बेवकूफ गधे की औलाद, तेरी लाइटें ऑन नहीं हो रही है, वो बेचारा गाड़ी से निकल के फटाफट आया कि क्या हो गया गाड़ी को। मैं ऐसे जा रहा हूँ बाहर निकल, तो क्या तेरे को क्या तकलीफ है, मैंने कहा तेरी लाइटें नहीं चल रही है, बारिश हो रही है, वो गोली मार रही है ना तेरे को मारो। ठीक है, तो भाई मैं ऐसा हूँ, मैं तो एड़ा उल्टे उल्टे काम करता रहता हूँ, ठीक है, हंसाता रहता हूँ। तो बंदे को पहले समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, जब उसे कुछ समझ आया तो बोला गोली मारनी हो साली तेरे को मारो पहले, ठीक है। पहले वही सभी की थी, सभी के दिमाग की माँ की आंख करके रखता हूँ जा जाके, ठीक है। तो इसलिए भाई आज खेल के रहा करो, ऊपर नीचे तो होता रहता है, वो तो ऊपर वाले का देना है यार, उसमें क्या है, ठीक है। तो भैया मैं यही मैं थोड़ा हेड़ा हूँ। और आपको कल की वीडियो का आई होप सभी ने जिस जिसने देखी है, तो भाई आइंदा मत पूछना भी ये कहाँ है वो कहाँ है, मेरे बाप कुछ कोई कुछ नहीं है, ये खड़ा हूँ सामने, आधे को भाभी बना लो आधे को भैया बना लो, ठीक है। साला दोनों तरफ से काट के ना साइडों में गुड़िया लगा लो बहन की आंख मारू, ठीक है, वो भाभी वाले हाथ लगा लेना उसके ऊपर, बोलो यू भाभी होगी, चलो ठीक है, आपका काम सेट हो गया ना, आप सपने में ना लिया करो मेरे, सोया करो, ठीक है, कि मेरी भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, भाभी ना हो गया उस्मान ही हो गया, ठीक है। तो चलो यार, मैं तो ऐसा ही मैं तो बोलता रहता हूँ, ठीक है, खुश रहा करो। तो भैया मैं तो अभी सुबह संडे चाय पी रहे थे, हाँ भाई मेरे दादे परदादे ने जिंदगी में केले नहीं बेचे होंगे, पोता बहन की यहाँ केले भी बेचता है स्टोर पे। ये जिंदगी है बहन की आंख मारू, ठीक है, सारा कुछ करना पड़ता है भाई, क्या करेंगे, जैसे बहन के अलोड़े कस्टमर आते हैं वैसी चीजें रखनी पड़ती है स्टोरों पे। तो भैया
इसलिए बोलता हूँ सभी को खुद रखा करो। ये देखो हम तो चले 5.5 लाख के स्टोर में 5 पैसे के केले भी रखे हुए हैं। तो भैया ये हमारी कस्टमर सर्विस होती है कि हर कोई खोज रहे है, कोई ऐसे ना आके एड़ा बोले कि साला कुछ ये बनी है खत्म है वो खत्म है। ठीक है नहीं एक्चुअली मैं वो लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ। इसलिए तो सिर्फ लोगों के बच्चों जो स्कूल से आते हैं ना आफ्टर स्कूल तो खाना वाना लाइक वो लेने आते हैं तो उनको मुफ्त में देता हूँ ये सभी को। तो जैसे मैंने पहले भी दिखाया था ना कि भाई ये देखो बैग अपना लगा के रखा हुआ है पूरा स्टिकर लगा होता है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं बस। तो बच्चों के लिए स्कूल के लिए होती है क्योंकि फिर वो बच्चे खुश रहते हैं ना, पढ़ लेंगे थोड़ा तो बढ़िया रहेंगे यार, तो उनको मजा आता है। इसलिए वो किसी दूसरे स्टोर पे जाते नहीं है। फिर अभी मैंने देशों को पूरा बॉक्स डाल के रख दिया, ये देख लो अंदर खड़ा हो, बाहर लड़कियां हार मार मार के जाती हैं। तो ये देख लो भाई मैं ऐसा हूँ, मैं बाहर अंदर खड़े हो गए बाहर लोग मेरे को बुलाना चाहते हैं। ठीक है तो इसलिए भैया मैं बोलता हूँ इज्जत बना के रखा करो, कुछ ही रहा करो। ठीक है ये रंडी रोने छोड़ो, ऊपर वाले का नाम लिया करो 24 घंटे जितना ले सकते हो। टीवी की मांग की आंख मत करके रखा करो, रिमोट भी सोचता होगा पैन की आंख किसके आंख में हाथ में आ गया हूँ मैं सुबह सुबह गंदी लाद के। ठीक है तो चलो यार अब बहुत हंसी मजाक हो गया है, अभी मैं थोड़ा काम वाम कर लूँ, शाम को मेरे को निकलना है क्योंकि दिन दिन में निकलना पड़ेगा, रात को चला नहीं सकता। पता लगा इनकी आंख किसी हिरन को ही मार दिया अंधे ने, बाद में कोर्ट में लेके जाएंगे किसने गाड़ी के नीचे देके मेरे को इसने हिरन मारा है भाई। तो इसलिए मैं ठीक है दिन दिन में निकल जाऊंगा कि हिरन एक्चुअली वो रोड पे ना हिरन बहुत होते हैं यार कसम से बोलता हूँ, इतना डियर्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात में, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ता है उस रोड पे। तो एक वो कंट्री रोड जैसे होते हैं ना तो उसके बीच से निकलना पड़ता है, तो पहाड़ी जैसा होता है तो वहाँ से हिरन बहुत आते हैं भाई। तो इसलिए बोलता हूँ दिन दिन में निकल जाऊंगा तो दिखाई देगा, रात को तो बैठ के आगे मेरे को बाजू में बैठा बंदा नहीं दिखाई देता है। इतना अंधा हो चुका हूँ। ठीक है तो भाई मेरे खोज रहा करो, प्यार से रहा करो, मोहब्बत से रहा करो, बहन की आंखें ऐवे बिना मतलब के किसी को मारने ना निकल जाया करो। ठीक है जो चीज साली बैठे बैठे सॉल्व हो सकती है ना उसको गोलियों से मत सॉल्व किया करो। ठीक है तो उसको प्यार मोहब्बत से किया करो, जरा एक दूसरे के दो दो थप्पड़ मार लिया करो, ज्यादा गुस्सा होता है तो अपने आप ठंडे हो जाया करो। ठीक है चलो आप ऐज करो। ठीक है मैं बाद में बात करूंगा अगर अगर आया तो, वरना हुए राम नाम सत्य जरूर बोल देना अगर मैं मर मर गया। ठीक है ओके टेक केयर, रब रखा, बाय।